सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 9, तिथि 22/10/2020 के लिए वर्कशीट आई है। अपनी संख्याओं की जानकारी रोमन संख्याओं में किस तरीके से हम लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप ये वॉच देख रहे हैं, यानी कि घड़ी देख रहे हैं, तो इस घड़ी में यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर्स जो लिखे हुए हैं, ये न्यूमेरिकल यानी कि आपके जो लिखे हुए हैं रोमन नंबर्स में लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर अगर आपसे टाइम पूछा जाए कि इसमें टाइम कितना हो रहा है, तो आप कैसे टाइम बताओगे? तो इसके लिए आपको रोमन नंबर्स को जानना होगा, तभी आप इसमें टाइम बता पाओगे। तो इसका मतलब हुआ 2, और यहाँ पर ये कितना है, यानी कि अगर आप यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर ये 45 मिनट हो रही है, तो इससे 2 आगे है, तो ये कितना हो रहा है यहाँ पर, तो यानी कि 2:47। और सेकंड की अगर बात की जाए तो सेकंड यहाँ पर ये आप सेकंड देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेकंड का निशान है, यहाँ पर ये सेकंड का निशान है, तो यहाँ पर 30 और ये 32 सेकंड हो रही हैं। तो इस तरीके से आप इसको इजीली घड़ी के हिसाब से यहाँ पर आप देख के बता सकते हो, अगर आपको रोमन नंबर आते हैं तो तभी आप बता पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं बता सकते अगर आपको नहीं आते हैं तो। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं यहाँ पर इस वर्कशीट को। तो यहाँ पर लिखा हुआ, प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदू अरबी अंकों का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या आपने अपनी परिवेश में रोमन अंक देखे हैं? तो हाँ, मैंने अपने दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। हमारे स्कूल में कक्षाओं रोमन अंकों में भी लिखी जाती हैं। तो अब इनके रोमन अंकों के बारे में हमें जानकारी पता होना चाहिए, उसके बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रोमन अंकों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 को इस तरीके से लिखा जाता है, 4 को इस तरीके से लिखा जाता है, 5 को ये V लिखा जाता है, 6 को V और I दोनों लिखा जाता है, 7 को यहाँ पर आप देख सकते हैं V और 2I, 8 को V और 3I इसके साथ में लिखी जाती है, 9 को I और X लिखा जाता है, 10 को X लिखा जाता है, ये रोमन नंबर्स में है। अब 11 की बात करें तो 11 के बाद में अगर I यहाँ पर जो 10 है, 10 हमारा X, X के बाद में अगर I लगा दें तो 11 बन जाएगा, और यहाँ पर 10 के बाद में 2I लगा दिए, यानी कि जो X है, X के बाद में 2I लगा दिए तो ये 12 बन जाएगा, और X के बाद में 3I लगा दिए तो ये हमारा 13 बन जाएगा, और यहाँ पर X के बाद में I और 4 लगा दिया, जो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है जिस तरीके से, यानी कि अगर V से पहले I लगा दिया तो ये 4 हो जाता है। तो यहाँ पर 14 लिखने के लिए यानी कि X और I और V लिखा जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। 15 लिखने के लिए यानी कि 15 लिखने के लिए X और V लिखा जाता है, X मीन्स 10 और V मीन्स 5, तो दोनों को जोड़ते तो 15 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 16 को यहाँ पर एक्स वी आई लिखा जाएगा, 17 को एक्स वी और डबल आई, यानी कि जो 7 है, 7 को यहाँ पर 7 का जो रोमन नंबर में लिखा जा रहा है तो एक्स के बाद में वो लिख दिया जाएगा, 18 का लिखा जा रहा है तो यहाँ पर एक्स और 8 जैसे लिखा जाता है तो 8 का जो रोमन अंक है उनको बाद में लिख दिया जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। 19 तो एक्स आई एक्स यहाँ पर ये लिखा जाएगा, और 20 को डबल एक्स, 30 होगा तो ट्रिपल एक्स, और 40 होगा तो 40 को जो है फिर यहाँ 50 के अनुसार लिखा जाएगा L, और उसमें से X को माइनस कर देंगे तो L से पहले X लिखा जाएगा तो वो 40 हो जाएगा, तो एक्स एल लिखा जाएगा 40 को, 50 को लिखा जा रहा है L, और 100 को यहाँ पर C लिखा जाता है, और 500 को D लिखा जाता है, और 1000 को M लिखा जाता है। तो ये आपको अक्षर अगर पता है, ये पूरी की जो सीट है आपको ये पूरी की पूरी अगर आपको पता है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी रोमन्स को, नंबर्स को समझने में और लिखने में। सबसे पहले तो ये हमारी जो पहली रो है, ये वाली जो पहली रो है जिसमें 1 से 10 तक की ये काउंटिंग लिखी हुई, सबसे पहले आपको ये अच्छी तरीके से याद करनी है कि कौन से अक्षर को क्या लिखा जाता है 1 से 10 तक को। उसके बाद में अगले नंबर्स आते हैं, फिर यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर 50 को क्या लिखा जाता है, 100 को क्या लिखा जाता है, 500 को क्या लिखा जाता है, 1000 को क्या लिखा जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप किसी नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। तो रोमन संख्याओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, क्या क्या नियम हैं। पहला नियम यहाँ पर आप देखिए, जितनी बार हम एक प्रतीक दोहराते हैं, जितनी बार उस प्रतीक को लिखा जाता है तो हमें उतनी बार उसे जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जैसे डबल यहाँ पर एक्स है, यानी कि एक्स एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मीन्स यानी कि 10+10 यानी कि कितने होंगे 20,
तो दूसरा है हम अधिकतम 3 बार प्रतीक दोहरा सकते हैं। कितनी बार? ओनली 3 बार हम प्रतीक को दोहरा सकते हैं, 4 बार प्रतीक को नहीं दोहरा सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्रतीक को अगर एक्स हम लिख रहे हैं तो एक्स को हम 3 बार दोहरा सकते हैं। एक्स एक्स एक्स, जैसे यहाँ पर मैंने आपको 30 को बताया कि ट्रिपल एक्स लिखा जा सकता है उसको, लेकिन यहाँ पर प्रतीक वी एल और डी दोहरा नहीं सकते, इनको हम कभी नहीं दोहरा सकते। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वी एल और डी को दोहरा नहीं सकते इनको, यानी कि दो दो बार नहीं लिखा जा सकता। सिर्फ एक्स वाले को 2 बार लिखा जा सक ये 3 बार लिखा जा सकता है, आई को भी 3 बार लिखा जा सकता है, लेकिन वी एल डी जो होंगे इनको दोहरा नहीं सकते। आगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, यदि हम दाईं ओर कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं, यानी कि दाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो हमने मान जोड़ा जाता है, सॉरी यहाँ पर अगर दाईं ओर, दाईं मीन्स यानी कि राइट साइड में अगर आप प्रतीक रखते हैं तो हमें मान जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे वी आई लिखा तो V मीन्स 5 और I मीन्स 1, तो दोनों को जोड़ दिया 6 आ गया। चौथा यहाँ पर है, यदि हम बाईं ओर कम मान रखते हैं, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट की तरफ मान चिन्ह रखते हैं तो मान इससे घटाया जाता है, यानी कि कम वाला मान अगर लेफ्ट की तरफ रखते हैं, जैसे यहाँ पे I और V लिखा तो I मीन्स 1 और V मीन्स आपका क्या है 5, तो 5 में से एक को आप घटाएंगे तो V में से एक को घटाएंगे I को, तो यानी कि 5 में से 1 को घटाया तो कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन वी एल और टी को कभी भी जमा और घटा नहीं किया जा सकता, इनको कभी भी जमा और घटा नहीं किया जा सकता। अब आगे आपको ये प्रतीक के बारे में जो महत्वपूर्ण नियम बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन नियमों को सभी बच्चे लिख के रखें और इस तरीके से फिर प्रैक्टिस करें जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस तरीके से उनको आप कोई भी संख्या देखकर उनको लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर पहला उदाहरण है, 12 को अगर लिखना है तो 12 को हम 10 जमा के 2 लिख सकते हैं, तो 10 को एक्स लिखा जाता है, 2 को डबल आई लिखा जाता है, तो इनको दोनों को जोड़ दिया तो एक्स डबल आई हमारा हो गया। अगर 98 को लिखा जाता है तो 98 को हम 90 जमा के 8 लिख सकते हैं, तो 90 जमा के 8 का मीन्स यानी कि हमें सबसे पहले 100 में से 10 को घटाना है, 100 में से 10 को घटाते तो ये एक्स और सी लिखा जाएगा, यानी कि सी मीन्स 100 और 100 में से अगर 10 को घटाना है तो उसको यानी कि एक्स सी लिखा जाएगा, और यहाँ पर 8 को हम वी और ट्रिपल आई लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 98 को लिखेंगे तो ये लिखेंगे एक्स सी वी और ट्रिपल आई। यहाँ पर रोमन संख्याओं को संख्याओं में लिखें, एक्स एल लिखा हुआ है, एल मीन्स देखो एक्स जो छोटा नंबर है एल से, एल 50 है और एक्स 10, तो ये पहले लिखा हुआ है तो क्या होगा, यानी कि छोटा नंबर उस नंबर से पहले लिखा हुआ है तो ये एक माइनस होगा, तो एल हमारा यहाँ पर 50 हो गया और इसमें से एक्स मीन्स 10 को घटाएंगे तो ये 40 हो गया। एल एक्स आई एक्स, एल एक्स यानी कि एल एक्स मीन्स हो गया हमारा 50, ये एल एक्स एल मीन्स 50 और एक्स मीन्स 10, तो 50 और 10 ये तो 60 हो जाएगा और ये 9 है, आई और एक्स को 9 लिखा जाता है, तो 60 और 9 को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 69 आपका हो गया। तो अब आगे हम प्रयास करते हैं जो सवाल आपको दिए गए हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर बता भी रखा है आप देख सकते हैं, तो किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 84 को लिखना है हमें, रोमन नंबर्स में लिखना है, तो इसको हम 80 जमा के 4 लिख सकते हैं, तो मैंने आपको इसके और टुकड़े करें तो 50 जमा के इसको हम 30 लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 बार हम एक्स को आई को रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एल हमने 1 बार लिखा और यहाँ पर 4 4 ये है हमारा यहाँ पर, तो एल 50 को एल और 30 को हमने यहाँ पर ट्रिपल एक्स लिखा और 4 को आई वी लिखा। इसी तरीके से 175 को अगर हम लिखते हैं तो 175 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 170 जमा के 5 लिख सकते हैं आप, या फिर माइनस में भी आप करके लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने प्लस वाले के अनुसार आपको बताया है, तो यहाँ पर 150 जमा के 20 जमा के 5, तो 150 को हम सी एल लिख सकते हैं, 20 को डबल एक्स और 5 को वी लिख सकते हैं, तो ये हमारा 175 हो गया। अगर 105 लिखना है तो 105 का मीन्स यानी कि 100 प्लस में 5, 100 यानी कि सी और 5 का मीन्स यानी कि आपका V, तो इसको हमने जोड़ दिया तो ये हमारा CV हो गया। आगे यहाँ पर 509, 509 का और लिखा जाएगा 500 जमा के 9 लिखा जाएगा,
तो यहाँ पर 500 को हम डी लिख सकते हैं और 9 को आई और एक्स लिखा जाता है, तो ये हमारा 509 हो जाएगा, डी आई एक्स। अब यहाँ पर अब आप प्रयास कीजिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है एल ट्रिपल एक्स, एल मीन्स एल यानी कि इनको अगर हम टुकड़ों में तोड़ते हैं तो एल प्लस में ट्रिपल एक्स, तो एल मीन्स 50 और ट्रिपल एक्स मीन्स यानी कि 30, तो इन तीनों को जो दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारा आ गया 80 यानी कि 80। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सी, सी मीन्स देखो यहाँ सी बड़ा नंबर है और एक्स क्या है छोटा नंबर, तो सी में से एक्स को माइनस करेंगे, सी मीन्स 100, 100 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा हमारा 90। एल एक्स सी ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यानी कि आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तरीका बताया कि यहाँ पर सबसे पहले बड़ा नंबर है सी, तो सी हमने लिखा और इसमें से एल एक्स को माइनस कर दिया, सी माइनस के एल एक्स, तो यहाँ पर 100 माइनस के 60, तो इसको हम 40 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ रोम नंबर में इसको गलत कहा जाता है कि इस तरीके से 40 को नहीं लिखना चाहिए, तो आप वैसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है तो कहा जाता है, तो आप 40 जैसे लिखा जाता है उस तरीके से आप 40 को लिखें, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि यानी कि जो एल लिखा जाता है तो एल में से आप 10 को माइनस कीजिए, तो एक्स एल लिख दीजिए उसको, एक्स एल। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर डी एक्स सी और डबल आई, तो एक्स सी, तो सी में से सबसे पहले एक्स को माइनस करेंगे और फिर डबल आई है यानी कि वो दो डबल आई क्या होंगी जुड़ेंगी, तो सी में से आप क्या करेंगे, सी 100 हो गया, 100 में से आप 10 को माइनस करेंगे और 2 को प्लस करेंगे, तो 90 हो गया, 90 में 2 जोड़े तो ये हमारा 92 हो गया। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर आपके लिए चेतावनी दी हुई है यानी कि संदेश दिया हुआ है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, तो ये आपको संदेश दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप इस संदेश को फॉलो जरूर करें और इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ चुके हैं, अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो और इससे पहले वाली वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हो तो उनको आई बटन में और आप यानी कि डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप उनको वहां से भी देख सकते हैं। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आप बच्चे हमारे साथ में बन रही है हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।